ये बोल रहे थे घर में बैठ जाता हमेशा ही खाना तो चाय लाना ना 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 ऐसी कुछ हरकत। वेलकम बैक टू आवर चैनल मी हूं मॉम इन वर्ल्ड। और आज है वेडनेसडे और शाम के 7 बज रहे हैं। मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। आज लेट इतना स्टार्ट इसलिए कर रही हूं क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थी, बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं कर पाई। मतलब मैं जब काम वाम कर रही थी ज़्यादा, तो मैं इस वक्त इतना शूट नहीं करती क्योंकि मैं फोकस होकर काम कर रही होती, और फिर शूटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब आप इस एंगल में कैमरा लगाओ, उस एंगल में कैमरा लगाओ, झाड़ू मारो तो कैमरा उधर लगाओ या इधर करो, ऐसा कुछ कुछ। तो ये सब था। और मैं अभी आ रही हूँ मार्केट से, कोरोना के चक्कर में बवाल हुआ पड़ा हुआ है। कल ट्यूसडे था तो ट्यूसडे मार्केट में अपने जाती हूँ जैसे वेजिटेबल लेने वगैरह के लिए, तो गई थी तो मार्केट में इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, मतलब लोग बाग सब जो भी शॉपकीपर थे सब यही बातें कर रहे थे कि मार्केट भी नहीं लगेगी, सब सब्जी मंडियाँ वगैरह सब बंद कर दी हैं, तो 31 तक उनको अलाउड नहीं कर रहे। मतलब हमारे आस पास के ना एरिया में मना किया हुआ था, नहीं लगी है मार्केट, तो वहाँ के लोग भी कल हमारी वाली सब्जी मंडी जहाँ हम आते हैं ना ट्यूसडे मार्केट, वहीं पर आए हुए थे। अच्छा, थैंक यू सो मच बेबी। तो वो लोग भी वहीं पे आए हुए थे, उनका भी और तो वो भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इस बार फ्राइडे को मार्केट नहीं लगी, सैटरडे मार्केट नहीं लगी। सैटरडे मार्केट तो नहीं लगी थी क्योंकि मैं भी गई थी तो नहीं लगी थी, तो ये सारी मार्केटें नहीं लग रही थी, तो शायद नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मार्केट भी ना लगे क्योंकि पुलिस वाले आके उनको मना कर रहे थे कि नहीं लगानी मार्केट करके। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी ग्रॉसरी वगैरह तो थोड़ा बहुत स्टोर करनी पड़ेगी। तो क्या बोल रही थी मैं, एक्चुअली फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था सुबह से, एक्चुअली हमारे लाइट भी नहीं थी पर प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा। तो मैं क्या बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ही पैनिक मचा हुआ है और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और ये आज घर पे है। ये घर पे क्यों है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया ऑफिस में, तो इसलिए अब घर पे है और घर पे रह के मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएंगे। इनको बहुत सी चीज़ें सीखनी है, खाना बनाना ये वो सब, तो ये सब चीज़ें करने वाले हैं, है ना, खाना बनाने वाले। तो अब ये बोल रहे थे घर में बैठ जाता हूँ हमेशा ही खाना तो चाय लाना ना 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 ये ऐसी कुछ हरकतें करके चले गए। तो क्या कर रही थी मैं, तो ऐसी सिचुएशन है कि पैनिक हुआ है। मंगल बाजार जो मैं सब्जी लेने गई थी ना, वहाँ में सब्जी अब शायद अगला मंगल बाजार ना लगे, ऐसी सिचुएशन आ रही है। पता नहीं क्या है, रूमर्स हैं या फिर क्या है। हाँ मतलब ये सब तो बंद कर दिए, मॉल क्या बोलते हैं ये सिनेमा घर, मतलब मॉल वगैरह ये सब तो बंद कर दिए, लेकिन सब्जी मंडी बंद हो जाएगी तो फिर हम सब्जी कैसे लाएंगे। और स्टोर भी मतलब आज मैं विशाल गई थी तो पूरा खाली पड़ा था, सन्नाटा छाया हुआ था विशाल पे भी। और ग्रॉसरी स्टोर में भी गई थी तो आजकल ऑनलाइन हो जा रहा है हिसाब किताब, तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और माइका को ना उसके पापा बालकोनी से ले आए ना अंदर, तो रो रही है बालकोनी से अंदर क्यों जाए। अब शाम को काफ़ी अंधेरा हो गया, मतलब काफ़ी क्या 7:30 हो गए। और आज मैं बनाने वाली हूँ क्या है कटहल डिनर में, तो विशाल गई थी, विशाल से आके अब चाय शाय भी पी ली है। मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, मैंने कहा जब तक फ़ोन चार्ज होता तब तक थोड़ा सा ये है चाय वाय पी लेते, तो वही सब किया। अब डिनर की प्रिपरेशन करूँगी और नंदन घर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये होता है ना कि अकेले अकेले बोर जाते हैं, तो मैं लंच में भी ऐसे ही कुछ थोड़ा मतलब बना लेती हूँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही कुछ करके लंच के लिए एक्स्ट्रा कर बना लिया, वही खा लिया लंच में। पर जब नंदन आता है तो प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों चीज़ें बनती हैं, तो वो चीज़ ही बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, कोई और भी है साथ में तो गपशप होती रहती है, बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा सब होता रहता है, नोक झोंक तो ऐसा ही है। अब उनकी जो है शिफ्ट ऑफ हो गई है, 7:00 तक होती, कितने बजे होती तुम्हारी शिफ्ट ऑफ, 6:30 मतलब हाँ मतलब 6:30 ऑफ होती है, पर वो करते करते 7 हो जाती है, 7:10 तो अब शिफ्ट ऑफ हो गया। तो बोल रहे अब मैं तेरा मेरा जो आने जाने का जो टाइमिंग था ना, उस टाइम में जितना भी मैं तू काम करवा सकती करा ले, क्योंकि उसके बाद फिर मैं थक जाऊँगा। हाँ और ये ऑयलिंग कर रहे हैं अपने सर में, मतलब पूरा मज़े उठा रहे हैं।
और मतलब पहले मना कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया लेकिन मैं ऑफिस जाऊंगा, पता नहीं क्या है मेरे को तो समझ नहीं आई ऑफिस जाने का चक्कर क्या, चक्कर क्या तुम ऑफिस इतना जाने के लिए आतुर हो रहे थे तुम सुबह, ये बोल रहे मेरी गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का कॉल आया जो तुझे पता नहीं। एक्चुअली आज मेरा घर ना पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है, मैं और माहिका वो क्या बोलते हैं उसको आजकल जो नया एक वर्ड आया, एक तो क्या बोलते हैं आइसोलेटेड हम मैं और माइका आइसोलेटेड हो गए थे आज घर में, पूरे घर को ना इन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ था क्वारंटाइन नहीं मतलब पूरे घर को अपना कॉन्फ्रेंस रूम बनाया था और आप मतलब स्काइप के थ्रू चल रहा है तो हम पीछे घूम नहीं सकते हैं और पीछे की लोकेशन भी अच्छी लगनी चाहिए और हम लोग पीछे घूम भी नहीं सकते, हमारी आवाज़ें भी नहीं आ सकती, तो बेचारी मायका ही अपने घर से बेघर हो गई आज, और बेचारी को खेलने के लिए भी नहीं जगह मिल रही थी तो बाहर बालकोनी में या दूसरे कमरे में हमको भगा दिया गया, पर भगा दिया तो कोई बात नहीं कि बच्चा तो शोर मचाता ही है ना, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मीटिंग के दौरान ना हमारी भी बातें वहाँ पहुँच गई तो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था इनके लिए, पर क्या करें वर्क फ्रॉम होम है तो भाई घर की आवाज़ें तो आएंगी ना, बच्चे आएंगे कुकर की सीटी बजेगी बजेगी तो वो सारी चीज़ें हैं। आज पूरा दिन मैं और माई अपने ही घर में मतलब एक कमरे में कैद हो गए, या फिर ये इन्होंने अपने को एक कमरे में कैद कर लिया पता नहीं, पूरा घर जो है कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ था सब जगह से, कोई इधर से आवाज़ बोल रहा है कोई इधर से स्पीकर में सारी बातें चल रही हैं ये वो सब, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी जिस वजह से वो क्या बोलते हैं यार मतलब माइक पे नहीं ले स्पीकर में उनको करना पड़ा अपने लैपटॉप, अदरवाइज़ तो वो मतलब ऐसा कुछ होता है हम दोनों के बीच तो म्यूट कर देते हैं या फिर अपना हैंड फ्री या कुछ लगा लेते हैं, पर अभी उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्पीकर में रखना था पड़ा मोबाइल लैपटॉप, तो इस वजह से पूरे घर में ना ऐसा लग रहा था कॉन्फ्रेंस रूम में कोई इधर से बोल रहा है कोई उधर से बोल रहा है, पांच लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो, मैं और माही बेचारे एक कमरे में दोनों बालकनी में, माही का अकेले ज़्यादा क्योंकि शोर नहीं मचा सकती थी ज़्यादा और उसे शोर मचाना बहुत अच्छा लगता है, और अभी वो बाहर है मतलब दूसरे कमरे में, तो यही था आज का दिन मतलब काफ़ी लेट करके मैंने शुरू किया क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, पता नहीं कोई फॉल्ट हो गया था उस वजह से, और इन्वर्टर से मैं मोबाइल अपना चार्ज नहीं करती हूँ क्योंकि होता ही नहीं इन्वर्टर से मेरा मोबाइल चार्ज, यार मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ था पता नहीं क्यों इन्वर्टर से 4% ऐसे कुछ हुआ है, क्योंकि एक बार पहले ना मेरा ये इन्वर्टर से चार्ज करने के चक्कर में ना जब मैं अपने ससुराल गई थी तो मोबाइल इन्वर्टर से चार्ज करने के चक्कर में मेरा ख़राब हो गया उसकी चार्जिंग चार्जर ही ख़राब हो गया, तो तभी से मैं इन्वर्टर से चार्ज नहीं करती हूँ और आज पूरा डिस्चार्ज हो गया था मेरा फ़ोन, मैंने बाकी कुछ काम भी होते हैं जो मेरे एक्स्ट्रा वो भी नहीं कर पाए जो मैं फ़ोन से करती हूँ, तो पूरा ही दिन मेरा सफ़र करना पड़ा मेरे मोबाइल की वजह से, और फिर मैं शाम को थोड़ा लंच करके आज मैंने प्रॉपर लंच बनाया था और जो हमने बहुत मज़े से खाया, उसके बाद जो है मैं चली गई थी मार्केट विशाल थोड़ा घर की शॉपिंग कर रही थी ग्रॉसरी वगैरह, और मेरा ये ख़त्म हो रहा था कपूर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कपूर, ओप्स क्यों मैं इसको होता है एक्चुअली मैं इतने बड़े बॉक्स ले आती हूँ वो ख़त्म हो जाता है मेरा, मैं क्या करती हूँ ये जो टी लाइट कैंडल होल्डर है ना इसमें एसेंशियल ऑयल वगैरह सब डालते हैं, पर मैं एसेंशियल ऑयल ज़्यादा डालती नहीं हूँ, मैं कपूर को ऐसे तोड़ के ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और नीचे से ये टी लाइट कैंडल जला दूँगी तो बहुत अच्छे से फ्रेगनेंस आती है, बाकी ऑयल भी है एसेंशियल ऑयल भी है, पहले मेरे पास लेमन ग्रास था वो ख़त्म हो गया, वो मैंने दोबारा मंगाया भी नहीं, मतलब अब पर्पल में कभी ऑयल डालूँगी तो फिर साथ में मंगा लूँगी एक साथ चीज़ें, और एक यूकेलिप्टस ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है तो वो भी मैं डाल देती हूँ, उसकी भी फ्रेगनेंस कपूर जैसी ही है, यूकेलिप्टस ऑयल है वो एक्चुअली, तो ये भी यूकेलिप्टस ही होता है इसके अंदर, तो मैं इसको ना ऐसे तोड़ के ना सारा इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, मतलब ये देखिए थोड़ा सा इसमें इसको ऐसे तोड़ टुकड़ा कर दिया मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मतलब हार्डली 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये देखो चम्मच से डालूंगी और इस पानी को जो है मैं नीचे यहाँ पे इसमें भर दिया मैंने ये देखिए, और बस नीचे कैंडल ग्लो कर दूंगी तो ये देखिए इसके ऊपर ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे और इसमें बस कैंडल ग्लो नीचे से कैंडल टी लाइट कैंडल ग्लो कर दूंगी और बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, मैं कपूर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एसेंशियल ऑयल से ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा है, लेमन ग्रास की भी अच्छी है फ्रेगनेंस
पर, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैंडल का रखती चंदर ये, तो इसको मैं जला लेती हूँ। शाम का टाइम भी हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती घर पे और फ्रेश फ्रेश फील करता है सारा ना, एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता घर का। बस इसको इसके ऐसे अंदर डाल देना है एंड दिस विल स्मेल वेरी गुड। थोड़ी देर में जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तब कुछ कुछ नहीं उसको, इसको वहाँ रख देना शुगर के ऊपर ध्यान से है। इसको मैं एंट्रेंस में लगा देती हूँ और आज मुझे असिस्ट करेंगे मिस्टर नंदन, मेरे साथ हैं जो, और बनेगी कटहल की सब्जी। ठीक है, कल एक्चुअली बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स ले आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी बाजार जाके ना, मुझे भी लगा कि भाई अगले हफ्ते लगे ना लगे पता नहीं, और फालतू में मैं कहाँ से मंगाऊँ, क्योंकि मुझे ना ग्रोफर्स वगैरह भी अच्छी वेजिटेबल्स आती है पर मुझे वो एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्केट है वो पास में लगती है और वो अच्छी फ्रेश वेजिटेबल ग्रोफर्स से कम रेट पर मिलती है। तो मैं वेजिटेबल कभी ग्रोफर से नहीं मंगाती, कुछ और ऐसा सामान है तो वो सब मैं मंगा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी खुद मतलब कोई ऑफर वगैरह आते हैं तो मैं मंगा लेती हूँ, नहीं तो कभी इतना तो मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, थोड़ा वॉक भी जाती है, थोड़ा मज़ा भी आता है बाहर का माहौल देख के, तो मैं खुद ही जाके ले आती हूँ, चाहे वो विशाल है, चाहे बिग बाज़ार है, चाहे मेरे घर के पास में ही राज मंदिर है और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। तो ग्रोफर्स मतलब लोग बाग आजकल प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आना जाना बाहर काम करें ताकि, लेकिन सब्जियाँ वहाँ से मंगाना मुझे थोड़ा सा वर्थ नहीं लगता, तो इसीलिए मैं थोड़ा चिंतित हो गई और मैं ज़्यादा ज़्यादा मतलब डबल डबल क्वांटिटी में सब्जी ले आई, बेसिकली आलू प्याज टमाटर डबल क्वांटिटी में लाई हूँ। आलू प्याज तो ख़राब नहीं होता और सब सब्जियों में लगता है, मतलब दालें वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल ख़त्म हो गई है तो, और टमाटर भी मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ, प्यूरी बना के रख लूँगी, तो ऐसा कुछ होगा अगर तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा मार्केट मतलब, लेकिन हाँ जो गली में बेचने वाले सब्जी बेचने वाले आते थे ना वो नहीं आए हैं आज, कोई भी नहीं दिखा, तो मैं नोटिस किया आज कोई भी सब्जी वाला नहीं दिखा गली में, तुम तो बिजी थे कॉन्फ्रेंस में, मतलब कोई भी सब्जी वाला नहीं था और मुझे तो नहीं दिखा, बस एक नारियल पानी वाला जा रहा था, उससे भी मेरा नारियल पानी छूट गया, कन्फ्यूजन हो गया एक्चुअली, तो नारियल पानी लेना था उससे, एनीवेज तो ये चीज़ है। पर लेकिन हाँ आप लोग काफ़ी ना अवेयर भी हो रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग मैं रास्ते में जाते हुए देखना मास्क वगैरह पहन के जा रहे हैं और सैनिटाइज़ कर रहे हैं बार बार, मतलब गाड़ी से उतर के गाड़ी पे चढ़ के सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र अपने पास रखा है, और जहाँ मैं स्टोर में गई थी वहाँ सैनिटाइज़र मतलब दूसरे दूसरे ब्रांड्स के सैनिटाइज़र है, मतलब डिटॉल वगैरह जो भी कॉमनली यूज़ होते हैं ना वो सैनिटाइज़र वहाँ है ही नहीं, अलग अलग ब्रांड के पता नहीं कौन कौन से नए नए ब्रांड के सैनिटाइज़र आ गए, तो मेरे पास एक बायोटेक का था, मेरे पास भी है पर मैं वो नंदन को दे रखा है क्योंकि घर में तो मैं अपना घर में जो हैंड वॉश है उसी से कर लेते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, एक छोटा सा बॉटल सैनिटाइजर को मैं रखती हूँ अपने बैग में रखती हूँ, जब कभी इधर उधर जाती हूँ उस बैग को लेके तो उसके साथ रहता है, बाकी ये ऑफिस में अप डाउन करते हैं तो कई बार होता है ऐसी सिचुएशन में नहीं होते हैं कि हम लोग हाथ सैनिटाइज कर साबुन पानी मिल सके तो उस वक्त सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, और वैसे इसको बहुत कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें केमिकल ज़्यादा रहता है, तो जितना ज़्यादा हो अवॉइड करिए, सिचुएशन जब ऐसी आ जाए कि आपको साबुन पानी नहीं मिल रहा है या फिर हैंड वॉश नहीं मिल रहा तो ही इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ तो घर में जो डिटॉल वगैरह है वो सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज़ कर देता है, डिटॉल सोप वगैरह जो हम हैंड वॉश लेते हैं, सैनिटाइज़र बहुत ही रेयर चांस, जब मतलब कुछ ना मिले तो मजबूरी का नाम पता ही सबको क्या है। चलिए सब्जी स्टार्ट करते बनाना और नंदन से सब्जी बनवाऊँ, नहीं बनाएंगे वो, एक्चुअली उनको खाना बनाना नहीं आता, वो बाकी मुझे साफ़ सफाई में हेल्प कर देंगे पर खाना बनाना ना वो उनके बस की बात नहीं है ना, और मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं, और ये देखो नंदन ने डॉलू ले रखी है माइका को चिढ़ाने के लिए, देखो ये माइका है, माई को चिढ़ा रहे हैं वो, हाथ मुंह से बाहर निकालो बेटा माइका, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी मतलब ये देखो अमेजोन से मेरी शॉपिंग आ गई है, और ये भी कुछ बिग बाज़ार से भी लाई हूँ, ये मेटी क्लॉथ होता है ना जो उस टाइप का कुछ है मेटी क्लॉथ, और ये सब जो है ये मेरा अमेजोन से आया है, होम फर्निशिंग का है, आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ऑर्डर किया है, और जो ऑर्डर किया है
समर्स के लिए किया है। तो चलिए, मेरा ना पानी पीने का रिमाइंडर आ गया। एक्चुअली एक ऐप है ना जीवामी करके, तो उस ऐप को मैंने अपने इसमें डाला हुआ है, ऑफिस के टाइम से डाला हुआ है, अभी से नहीं, जब मैं ऑफिस जाती थी। तो वहाँ क्या होता था कि पानी पीने का ना रिमाइंडर जैसे ही आता था, तो मैं डेस्क पे मेरे पानी का बॉटल ये रहता था डेस्क के ऊपर ही, डेस्क में बैठी हूँ, जैसे रिमाइंडर आया फटक से पानी बॉटल ढक्कन खोला, पानी पी लिया, मोबाइल भी हाथ में रहता था और बॉटल सामने रहती थी, क्योंकि हम नॉर्मली लैपटॉप पे एक जगह बैठ के काम करना, तो मोबाइल वगैरह सब साथ में रहता था। ऑफिस में तो ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं, पर वहाँ पानी पीना भूल जाते काम के चलते, तो इसलिए मैंने रिमाइंडर लगाया था। तो मैं टाइम टू टाइम पानी पीती थी, और काफ़ी उस वक्त मुझे अपनी वेट में भी काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से मैं लॉस कर रही थी, और अच्छा लॉस हो गया था। और ग्रीन टी वगैरह मतलब था, जो हमारे को ग्रीन टी ऑफर, मतलब जो चाय वगैरह देते हैं ऑफिस में भैया, तो हमने उनको बोला हुआ था कि भी हमें ग्रीन टी वगैरह देना है, तो उस हिसाब से वो हमको टाइम टू टाइम गर्म पानी, ग्रीन टी हर मील के बाद इस तरह से देते रहते थे, उनको पता था। तो बहुत हेल्प मिलती थी उन लोगों से और इस ऐप से, पर जब से मैं घर पर हूँ तो ये ऐप मेरे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि या तो मैं कहीं, मोबाइल यहाँ रहता है, मैं दूसरे कमरे में रहती हूँ, ये यहाँ पे अलार्म देता है, पर मैं उस वक्त होती नहीं उस पोजीशन में कि भाई पानी पीऊँ, कहीं मैं कुछ कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है थोड़ी देर पी लूँगी, अब मैं कहीं बाहर बालकोनी में हूँ, यहाँ पे इसने अलार्म दिया ऐप ने कि भाई पानी पीना है, तो बालकोनी से क्या पता चल रहा मुझे कि यहाँ अलार्म आ गया है, मतलब ध्यान ही नहीं रहता। तो ये अब अभी इतना सक्सेसफुल रही, लेकिन ऑफिस में बहुत अच्छे सक्सेसफुली है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, अब बहुत ही, मतलब मैंने अपना वेट भी ऑब्वियसली मतलब काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर रही थी मैं, पर लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो चलिए खाने की बात करते हैं अब, पर मुझे ऑफिस लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी, ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आता था। तो मैं नंदन मुझे बोल रही, मैं 15 दिन 20 दिन जो ये अभी मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है, मैं घर में बैठे बोर हो जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला, मैं नहीं बोर होती हूँ, मतलब मैं नहीं घर में रहती हूँ, तो ऐसे कैसे बोर हो जाओगे। तो बस यही चल रही थी हमारी आज दिन भर की बातें, यही सब कुछ हुआ दिन भर में। अब दिन को आगे बढ़ाते हैं और कटहल की सब्जी बनाते हैं। सब्जी अच्छी बड़ी टेस्टी बनी थी, पर मैं एक्चुअली यार खा नहीं पाई, क्योंकि हमने शाम को थोड़ा स्नैक्स खा लिए थे इस वजह से। और ये देखो माहिका ने हालत क्या की है, सारे पेपर ना इस तरह से फेंक देती है वो, सब जगह बेड में पीछे फैला दिया वो, देखो सारा ब्लैंकेट वगैरह सब फेंक दिया। तो इसके साथ यही होता है कि ये दो दो मिनट में मैं ठीक करती हूँ, दो दो मिनट में ख़राब करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अब डिनर वगैरह हो गया और अभी टाइम 9:40 हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट छत में ना वॉक करके आ जाऊँ, टाइम भी है और कल ऑफिस भी, मतलब नंदन ने वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती सुबह जल्दी उठने की, तो ये चीज़ है। और लंच वंच की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि सुबह से बनाना, उठ के जल्दी उठना है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊँ, हजम करके आ जाऊँ, क्योंकि आज खाना ज़्यादा हो गया, मतलब इवनिंग में भी स्नैक्स हैवी खा लिया था और डिनर भी कर लिया। तो नंदन तो अपना यहीं पे वॉक कर लेते हैं, मतलब दूध बॉईल करने की ड्यूटी उनकी रहती है, तो यहीं वॉक करके बॉईल करते रहते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, थोड़ा सा एक चक्कर ला के ले आऊँ, काफ़ी स्पेशियस है छत हमारी, तो अच्छे से वॉक हो जाती है। मतलब और भी बिल्डिंग की लेडीज आती हैं रात को, पर लेकिन मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मायका को सुलाना होता था और ये सब चीज़ें, पर अब आज ठीक है, माई अभी सोने वाली है नहीं, उसको भी मैंने डिनर करा दिया, वो भी अपना डिनर कर चुकी है, तो हम लोग जो है, मतलब मैं जा सकती हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ जाने के लिए। तो मैं जाऊँ छत में जा रही हूँ, मैं कहाँ गई हैं, माहौड़ी को नहीं ले जाना, नहीं मावड़ी ही रहेगी, रात को नहीं जाना वहाँ पे, टंकी में एक्चुअली कई बार ओवरफ्लो रहता है तो पानी नीचे फैला रहता है, पानी में खेलती है, फिर हाँ पानी में चपकती है। तो चलिए यही था मेरा आज का ब्लॉग, इतना छोटा सा ब्लॉग, मतलब आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। और मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस ने धूम मचाई हुई है। मीन्स बच्चे खेल रहे थे शाम को ना नीचे, तो वो शटल कॉक खेल रहे थे, तो एक की कॉक ज़्यादा दूर तक चली गई, तो बोले तूने तो कोरोना वायरस वाली कॉक मारी है। मतलब बच्चों ने भी ना इतना कॉमेडी बना लिया इसको, और इतने सारे फनी फनी वीडियोज़ आ रहे हैं इनके ऊपर। तो ये देखो, ये मेरा भूत बाबा है, भूत बाबा। ओ चलिए बाय-बाय करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।